एक अच्छे बी स्कूल से पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद हर एक स्टूडेंट का ड्रीम होता है एक अच्छी कंपनी में जॉब लेना या फिर एक बिग फोर कंपनी में जॉब लेना। दोस्तों आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि कैसे आप कोई भी जॉब इंटरव्यू इजीली क्रैक कर सकते हैं और स्पेशली हाउ यू कैन क्रैक बिग फोर इंटरव्यूज, और मैं आपको इसी के बारे में इस पूरी वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों आप वीडियो के अंत तक बने रहना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों बिना किसी रुकावट के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोई भी जॉब इंटरव्यू को क्रैक करने से पहले आपको बहुत सारी प्रिपरेशन और साथ ही साथ स्ट्रैटेजिक अप्रोच को फॉलो करना पड़ता है, और दोस्तों इसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। जिसमें से सबसे पहला पॉइंट जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है रिज्यूम एंड कवर लेटर। आपको अपने रिज्यूम और कवर लेटर को इस तरीके से हाईलाइट करना है जिससे पता चल पाए आपकी सारी स्किल्स के बारे में, आपके कोर्स वर्क्स के बारे में, आपकी सारी इंटर्नशिप के बारे में, आपके सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में रिलेटेड टू फाइनेंस और कंसल्टिंग और एनी अदर फील्ड। सेकेंड पॉइंट है रिसर्च द फर्म। ये अगर आप किसी भी कंपनी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं ये पॉइंट आपका उसमें काम आएगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड द स्पेसिफिक फर्म्स कल्चर वैल्यू सर्विसेज एंड रिसेंट न्यूज, और ये आपकी हेल्प करेगा डेमोन्स्ट्रेट करने में आपका जेन्युइन इंटरेस्ट ड्यूरिंग द इंटरव्यू ऑफ दैट कंपनी। नेक्स्ट पॉइंट है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। यू कैन अटेंड करियर फेयर्स सेमिनार्स एंड नेटवर्किंग इवेंट, लेकिन आजकल का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है नेटवर्किंग का वो है लिंक्डइन। यू कैन कनेक्ट विद प्रोफेशनल्स फ्रॉम बिग फोर कंपनीज, और साथ ही साथ ये नेटवर्किंग जो है आपकी हेल्प करेगा रेफरल और गेटिंग एन इनसाइट अबाउट द कंपनी, और साथ ही साथ आपकी इंटरव्यू में भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी अगर आप उन लोगों से हेल्प लेंगे जो कि ऑलरेडी उस कंपनी का इंटरव्यू दे चुके हैं। अब मैंने आपको ये चीज़ तो बता दी कि कैसे आपको उस जॉब पोजीशन को एनालाइज करना है और कैसे उसको अप्रोच करना है, और अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपको उस जॉब के लिए इंटरव्यू प्रिपरेशन करनी है। जिसमें से सबसे पहला पॉइंट जो हम कवर करने वाले हैं वो है बिहेवियर इंटरव्यू के बारे में। और इस टाइप के इंटरव्यू के लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा बिहेवियरल क्वेश्चन अबाउट योर टीम वर्क लीडरशिप प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड योर पास्ट एक्सपीरियंसेस, जिसकी वजह से जो है आपका जो आगे का प्रोसेस है वो कंपनी डिसाइड करती है कि ये नेक्स्ट स्टेप पे जाता है या फिर नहीं जाता है। और अब हम बात करेंगे टेक्निकल नॉलेज यानी टेक्निकल राउंड के बारे में। ये सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट राउंड होता है किसी भी जॉब इंटरव्यू का, और साथ ही साथ हर एक जॉब इंटरव्यू में ये वाला राउंड तो होता ही होता है। इसलिए यू हैव टू ब्रश अप योर नॉलेज अबाउट द इंडस्ट्री यू आर पिचिंग इन, एंड साथ ही साथ आपको इंडस्ट्री ट्रेंड के बारे में भी बहुत जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि दोस्तों टेक्निकल राउंड में आपकी सारी स्किल्स को टेस्ट करा जाता है और उसी के बेसिस पे आपको नेक्स्ट राउंड पे मूव करा जाता है। अब हम बात करेंगे केस इंटरव्यूज़ के बारे में। You have to be ready for case study interviews that assesses your analytical and problem solving skills. दोस्तों कई सारी जॉब इंटरव्यूज में आपको एक केस दे दिया जाता है जिसकी बेसिस पे आपको जज किया जाता है कि आप अगर उस सिचुएशन में होते तो आप कैसे रिएक्ट करते, और उसी के बेसिस पे आपका नेक्स्ट राउंड डिसाइड होता है। अब आपका इंटरव्यू प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया, लेकिन अब आपको इंटरव्यू प्रोसेस के बाद क्या करना है, क्या आपको आइडियली बैठे रहना है या फिर उनकी कॉल की वेट करनी है? चलिए दोस्तों ये भी आपको चीज़ मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको अपने लिए ही कुछ करना है, और वो दोस्तों आपको करना है यू हैव टू डू कंटिन्यूअस लर्निंग। Keep learning and improving your skills even after the interview process. This can actually help you more attractive candidate for future opportunities. दोस्तों ऐसा तो है नहीं कि आप लाइफ में सिर्फ एक ही बार इंटरव्यू देंगे, और आपको फ्यूचर में इंटरव्यूज देने हैं, इसलिए यू हैव टू कंटिन्यूस डू लर्निंग। दैट विल एक्चुअली हेल्प यू गेन मोर एक्सपीरियंस, और आप अपनी गलतियों से जो आपने इस प्रोसेस में गलतियां करी वो आप फ्यूचर में ना करें और उसको इम्प्रूव कर पाए। और अब मैं आपको बताता हूँ कि आप फॉलो अप कैसे लेंगे। सेंड अ थैंक यू ईमेल आफ्टर इंटरव्यू टू एक्सप्रेस योर इंटरेस्ट इन द रोल, और साथ ही साथ आपको अगर आपके पास मेल पे फॉलो अप नहीं था तो जाते जाते आप अपना एक फीडबैक पूछ सकते हैं कि आपका इंटरव्यू प्रोसेस कैसा रहा, क्योंकि फीडबैक पूछने में कोई भी बुराई नहीं है। आप अपना फीडबैक पूछ सकते हैं अपना इंटरव्यू के बारे में। आई होप दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और कहीं ना कहीं इस वीडियो से क्लैरिटी आपको जरूर मिली होगी, और मैं उम्मीद भी करूंगा कि इस वीडियो के पॉइंट्स के थ्रू आपका जो जॉब प्रोसेस है वो थोड़ा सिंप्लीफाई हो पाए। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों अलविदा।